तो बाबा तो पहुंच चुके हैं जेल में, सलाखों के पीछे है, लेकिन मिल रहा है उन्हें VVIP ट्रीटमेंट। जी हाँ, बिस्तर की सुविधा है, मिनरल वाटर दिया जा रहा है, AC लगा हुआ है, साथ ही एक सहायक भी मुहैया कराया गया है। बाबा राम रहीम को दोषी करार दिए गए हैं रेप केस में। जेल में कटी रात, लेकिन राम रहीम को दिया जा रहा है VVIP ट्रीटमेंट। रात भर जेल में इधर से उधर घूमता रहा राम रहीम, लेकिन अगर सुविधाओं की बात की जाए तो जमकर सुविधाएं दी जा रही है राम रहीम को। AC दिया गया है, सोने के लिए गद्देदार बिस्तर दिया गया है, प्यूरीफायर लगाया गया है, एयर प्यूरीफायर उस जेल में, उस कमरे में जहां पर राम रहीम है। और बता दें आपको कि फिलहाल अपने ही कपड़ों में है राम रहीम, जेल के कपड़े नहीं पहने हैं, और एक सहायक भी मुहैया कराया गया है राम रहीम को। इतनी सुविधाएं आखिर क्यों, VVIP ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है एक रेप केस में दोषी करार दिए गए शख्स को? वो शख्स जिसके पीछे जमकर बवाल हुआ कल हरियाणा में, हिंसा हुई जमकर, हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, 30 लोगों की मौत हो गई, उसके बावजूद राम रहीम को जेल के अंदर VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कल पहली रात कटी जेल में राम रहीम की, इधर से उधर घूमता रहा जेल में रात भर, लेकिन सुविधाएं भी खूब जमकर मिली हैं। सोने के लिए गद्देदार बिस्तर दिया गया है, AC लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर लगाया हुआ है, एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, और एक सहायक भी वहां पर मौजूद है राम रहीम के लिए। इतनी सुविधाएं क्यों उस शख्स को जिसके ऊपर रेप का आरोप है, दोषी करार दिया गया है रेप केस में, सजा का ऐलान सोमवार को होना है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। रोहतक की सुनारिया जेल में पहली रात कटी राम रहीम की, इधर उधर घूमता रहा, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एक दोषी करार दिए गए शख्स को VVIP ट्रीटमेंट क्यों? यही बड़ा सवाल है जो कि हम जानना चाहते हैं उन तमाम लोगों से, उन तमाम नेताओं से, उन तमाम पार्टियों से जो अक्सर चुनावों के समय जाते हैं 13 प्रमुख के पास चुनावों के लिए, वोट के लिए, समर्थन के लिए। आखिरकार यही वजह है कि VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है रेप के दोषी करार राम रहीम को। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, देवेंद्र कथूरिया हैं, हमारे साथ महेश जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि नेताओं से भी संपर्क करें, हर पार्टी से संपर्क करें, ताकि उनकी राय जाने कि वो क्या सोचते हैं, क्यों VVIP ट्रीटमेंट एक रेप केस में दोषी शख्स को। देवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल आज यही है, वो शख्स जिसके पीछे जमकर बवाल हुआ, हिंसा हुई, 30 लोग मारे गए, जो रेप केस का दोषी है, उसे VVIP ट्रीटमेंट क्यों? देखिए पूजा, इस सारे मामले में मैं कहूंगा CBI कोर्ट और हाई कोर्ट ने जितना अच्छा रोल निभाया है, सरकार उतनी ही किरकिरी हुई है सरकार की, और जेल प्रशासन जो है वो सरकार के अधीन है, सरकार के अधिकारियों के अधीन। अगर एक रेप आरोपी को इस तरह की VVIP ट्रीटमेंट सुविधाएं दी जा रही है, तो ये सरकार के लिए और भी शर्म की बात है, क्योंकि जेल प्रशासन सीधा सीधा सरकार के अधीन आता है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर बाबा को VVIP ट्रीटमेंट दिया जाए, सभी तरह की सुविधाएं, AC, गद्दा, प्यूरीफायर, तो एक आरोपी कहाँ हुआ? वो तो खाली ये है कि एक तरह से जेल प्रशासन की निगरानी में आरोपी वाली या कैदी वाली कोई बात हम नहीं कहते, बड़े शर्म की बात है ये सब कुछ जो हो रहा है जी। महेश, क्या कहें, क्या सरकार जो है वो बाबा के आभा मंडल में जी रही है? सरकार हरियाणा में डेरे के आशीर्वाद से ही सरकार बनाने का काम किया गया था। अगर सियासी भाषा में समझने की कोशिश करें तो दो ही लोग ऐसे थे जिन्होंने हरियाणा में BJP की सरकार बनाने का काम किया, मोदी के नाम के अलावा तो राव इंद्रजीत, जो दक्षिणी भारत, दक्षिणी हरियाणा के अंदर सीटें जिताकर बीजेपी को राज मिलाने का काम किया, और दूसरा डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह। ये दो ही लोग ऐसे थे जिन्होंने हरियाणा में खट्टर की सरकार, मनो सरकार, बीजेपी सरकार बनाने का काम किया था। उसी एहसान को चुकता करने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एहसानों तले तभी है हरियाणा की बीजेपी सरकार, और केंद्र के जो दिग्गज, जिन्हें देश दिग्गज मानता है, उन्हें हमने डेरे में आकर अक्सर आशीर्वाद मांगते देखा है।